पर विचार किया जाए। दोनों एक साथ रख दी ना जी, दोनों एक साथ। श्री जुगल किशोर शर्मा जी, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का जो है मौका दिया और अपनी पार्टी का भी। महोदय, इस विधेयक के पारित होते ही जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट जो है वो आरक्षित होने का जो मार्ग है वो प्रस्तुत हो जाएगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और तब से ही महिलाओं के प्रति मान सम्मान और उनको वो सारी सुविधाएं जो 70 वर्षों से नहीं मिल पा रही थी वो उनको मिल रही हैं, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि माता बहनों के लिए सबसे पहले जो उन्होंने निर्णय लिया वो स्वच्छ भारत माध्यम से शौचालय बनाने के लिए, और हम सब जानते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना जो हमारी माता बहनों को करना पड़ता था। शायद अपोजिशन के लोग इस का मजाक भी उठाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी पता चला कि नहीं, ये बहुत ही एक अहम फैसला है सरकार का कि हर घर शौचालय होना ही चाहिए ताकि माता बहनों का इज्जत मान सम्मान जो है वो बरकरार रहे। महोदय, अगर मैं दूसरी बात करूं तो केंद्र सरकार ने स्कूलों में भी बेटियों के लिए अलग से शौचालय बनाने की जो एक मुहिम शुरू की उसका भी बहुत बड़ा लाभ जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी मिला, और आत्म मान सम्मान के साथ बेटियां जो है वो स्कूलों में भी अपना समय जो है वो बिताने लगी। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश में एक ऐसा भाव पैदा करने का माहौल जो है वो बनाया, प्रयास किया, जिससे महिलाओं का मान सम्मान जो है वो बढ़े, और हर एक कार्यक्रम में महिलाओं बहनों का मान सम्मान बढ़ाना, उनके प्रति सम्मान से बात करना और एक के बाद एक अच्छी योजना बहनों के लिए लेकर आना, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सफल प्रयास किए हैं उसमें बहुत सारी सफलताएं जो है वो मिली हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माता बहनों बेटियों के लिए अनेक नहीं ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो शुरू की गई हैं, लेकिन मैं अगर इस बिल की बात करूं तो इस बिल के माध्यम से भी बहनों को जो अपने अधिकार मिलने वाले हैं उनको जो मान सम्मान मिलने वाला है, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी केंद्र सरकार ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने मिलकर जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं के उत्थान के लिए एक नहीं अनेक कदम जो हैं वो उठाए हैं। मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं इससे पहले कि ये जो महिलाओं के शीर्ष के आरक्षण के लिए बात हो रही है, इससे पहले भी एक नहीं अनेकों कार्य जो हैं वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार ने जो है वो किए हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले ST के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो जा, अभी OBC के वर्ग को संवैधानिक संरक्षण मिलने की बात हो, PO JK के वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को अपने अधिकार देने की बात हो, वाल्मीकि समाज का मान सम्मान बढ़ाने की बात हो, गोरखा समाज की बात हो, और इससे अलावा भी बहुत सारे बदलाव जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इस केंद्र सरकार ने जो है वो किए हैं। और विशेष तौर पर महोदय, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते ही जम्मू कश्मीर जो है वो अब बदला हुआ नजर आता है, और जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है तभी से जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान जो है वो एक के बाद एक समस्या का समाधान जो है वो हो रहा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिसका पहली सरकारें जो थी वो समाधान कर सकती थी, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ही राज रहा है, लेकिन इन्होंने भी अपने परिवार और पार्टी की ही चिंता की, वोट बैंकिंग की राजनीति के नाते इन्होंने समय बर्बाद किया और समय पास किया,
लेकिन 70 वर्षों से एक मेडिकल कॉलेज जो है वो जम्मू में था और एक मेडिकल कॉलेज जो है वो कश्मीर में था। मैं इसे महिलाओं के साथ भी जोड़ रहा हूं कि देखिए जब से केंद्र में सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की आई है एक नहीं अनेक मेडिकल कॉलेज जो हैं वो कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी जो बने हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो सारी सुविधाएं जो है वो जम्मू कश्मीर को दी गई हैं, जिसके जम्मू कश्मीर के नागरिक बहुत पहले से जो थे वो हकदार थे। महोदय में अगर महिलाओं की ही अगर बात करूं, इस सबसे भी तो माता बहनों को लाभ जो है वो मिल रहा था, लेकिन अगर मैं महिलाओं की ही बात अगर आपके साथ जहां पर करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में सभी लड़कियों के लिए उच्च माध्यम स्तर तक की स्कूल फीस जो है वो माफ कर दी गई है। यह बहुत बड़ा कदम जो है वो जम्मू कश्मीर की बहु बेटियों के लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने उठाया है। मुद्दों में कहना चाहता हूं कि पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक छात्राओं को मुफ्त वर्दी और पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इस वर्ष 2023-24 में 4.5 लाख से भी अधिक छात्राओं को जो है इसका लाभ जो है वो मिला है। महोदय हम बात करते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा देखे कुछ ऐसी चीजें थी जिसका सामना जो है हमारी बेटियों को बहनों को करना पड़ता था, लेकिन उसके लिए भी हमारे जो केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर सरकार ने काफी अच्छे जो है वो कदम जो है वो उठाए हैं। मासिक धर्म स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 89 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 951 बालिका विद्यालयों में ये जो सैनिटरी पैड बेडिंग और इंसिनेटर मशीनें जो है वो स्थापित की गई हैं, और अगले 2 महीनों में 1482 स्कूलों में और ऐसी जो मशीनें जो हैं वो स्थापित की जाएंगी। महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शैक्षिक पिछड़े ब्लॉकों को मैं माननीय सदस्य बोला कुछ महिलाओं के आरक्षण पे तो बोलो आप। महिलाओं को आरक्षण देने और उनको आत्मसम्मान देने और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं महोदय मैं उस पर भी थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। यह तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़े से शब्दों में अपनी बात को इस तरह से रखूंगा कि देखिए पहले छात्राओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों स्कूलों में आत्मरक्षा एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जो है वो शुरू किया गया है। ये माता बहनों के लिए बहुत बड़े कदम जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा जो है वो उठाए गए हैं। महोदय मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाओं और छात्राओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बेटी अनमोल योजना लागू की गई है और विभिन्न स्कूलों की 10,000 लड़कियां लाभान्वित हुई हैं और इन लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। महोदय मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन करने और उन्हें अन्य छात्राओं के बराबर बनाने के लिए 2023-24 में भी समग्र शिक्षा द्वारा बीपीएल छात्राओं को नीट की कोचिंग प्रदान करने की एक बहुत बड़ी पहल जो है वो की गई है। यह कोई कम नहीं है महोदय। महोदय अगर आप कहें तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहनों के लिए एक नहीं अनेकों जैसे कि वृद्धा पेंशन हो, विडो पेंशन हो, माता बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे कदम जो हैं वो उठाए हैं। अभी पिछले ही दिनों आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप और अन्य किसानों को एक ड्रोन दीदी के माध्यम से जो जानकारियां दी जा रही है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन दीदी के माध्यम से जो ड्रोन दिया जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में जो है वो हमारे क्षेत्र में इन ड्रोन दीदियों के माध्यम से बहनों और नौजवानों को मिलने वाला है, जिससे कृषि भी जो है वो कृषि क्षेत्र में भी एक क्रांति आएगी और माता बहनें भी जो है आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगी। देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने के लिए अपने साथ साथ गांव और किसानों के सहयोग करने के लिए नौजवानों एवं बहनों का भी नए टेक्नोलॉजी के साथ खेती बाड़ी और निगरानी और बिजनेस करने में भी जो अपना सहयोग जो है वो करेंगे।
महोदय मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इससे पहले भी कई बार ये आवाज उठती रही है, देश भर में भी उठती रही है कि माता बहनों को जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, किसी ने इसकी परवाह नहीं की। वोट बैंकिंग की राजनीति करते हुए ही आगे बढ़ते गए। लेकिन केंद्र सरकार ने, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में पिछले दिनों जो बिल पास हुआ था और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी इस बिल का जो है वो लाभ जम्मू कश्मीर की माता बहनों को मिलेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महोदय मैं बताना चाहता हूं कि देखिए ये जो मैं बात कर रहा था अपने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी और POJK के रिफ्यूजियों की, उसके लिए भी आरक्षण जो दिया गया, और विशेष तौर पर जो हमारे कश्मीरी पंडित परिवार जो पलायन करके आए हुए हैं उनके लिए भी, और उसमें भी एक बहन का नाम जो है वो जहां पर दिया गया है। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ ही यहां पर जहां माता बहनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो तो उठाए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका हमारी बहनें जो है विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में भी उसका लाभ जो है वो ले रही। तेजस्विनी योजना के माध्यम से 5,000 से अधिक युवा महिलाओं ने आवेदन दिया गया है और 4,068 इकाइयां जो है मंजूर की गई हैं, और उद्यमिता पहल को प्रोत्साहन मुमकिन योजना, और इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं जो है वो दी गई हैं और उनका लाभ जो है हमारी बहनों को जो है मैं मिल रहा है। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं और उनके नेतृत्व में ये सरकार आगे बढ़ रही है। मैं अगर जल जीवन मिशन की बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि शायद जल जीवन मिशन का इस बिल के साथ क्या संबंध है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल और नल में स्वच्छ जल माध्यम से भी महिला बहनों को बहुत बड़ा लाभ जो है इस स्कीम का मिला है, क्योंकि ज्यादातर माता बहनें ही पानी लेने के लिए दो दो तीन तीन किलोमीटर जो थी वो जाती थी। आज वो बहनें जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रही हैं कि उन्होंने हर घर नल और नल में जल देकर उनकी समस्या का समाधान जो है वो किया। महोदय इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जम्मू कश्मीर में जितने भी शिक्षा अदारे हैं और जो मेडिकल कॉलेज हैं इनमें भी तो माता बहनों के लिए सीटें जो है वो रिजर्व की गई हैं, और उसका भी लाभ जो है वो हमारी माता बहनों को मिलेगा। मतलब माता बहनें आत्मनिर्भर हों और किसी पर निर्भर ना हो, उसके लिए केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं अंत में इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, और एक मैसेज जो माता बहनों का है, जम्मू कश्मीर की माता बहनों का, वो ये कि देश के प्रधानमंत्री जी आपने जिस तरह से जम्मू कश्मीर की माता बहनों का मान सम्मान बढ़ाया है इसके लिए हम आपके आभारी हैं, और जिंदगी भर आपका साथ जो है वो देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अधीर रंजन जी, आप बोलना चाहते हैं।